हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, अगर आपकी बाइक मतलब जहाँ फ्लोड आ जाता है, जैसे कि जहाँ पानी वानी भर जाता है, और अगर आपकी बाइक अगर आप उस पानी में चलाते हो तो क्या इंजन को नुकसान होता है या इंजन सीज भी हो जाता है बहुत से लोग की बाइक्स में। तो आज की वीडियो में बताऊँगा आपको वो कैसे हो जाता है, उसके क्या रीज़न होते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या अगर किसी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, जो भी मेरे से हो सकेगा आपकी दिक्कत सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इंस्टा पर भी मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो गाइस ये अपनी बाइक यहाँ खड़ी है, और मैं आपको बताता हूँ कि पानी में जाने के बाद क्या होता है, ठीक है। कितनी जाने पे गाड़ी को कितना नुकसान होता है, या इंजन सीज तो नहीं हो जाता अगर आप गाड़ी को किसी पानी के अंदर डाल देते हो, जैसे कि पूरा पानी भरा हो यहाँ तक पानी, और आपकी बाइक आपने डाल दी, तो क्या आपका इंजन सीज होगा या इंजन के अंदर पानी भरा जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो में, पूरा देखिए लास्ट तक, ठीक है। तो अभी एक क्लिप लगा दूंगा मैं आपको, मतलब वीडियो में एक क्लिप लगा दूंगा, देख लेना आप। मैंने साइलेंसर के अंदर पानी डाला था, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका इंजन में पानी जाने से क्या होता, मतलब इंजन में नहीं साइलेंसर में, ठीक है। तो गाइस, अगर आपके साइलेंसर में अगर पानी जाता है तो क्या आपका इंजन सीज होगा। तो अभी अपन लाइव चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये यहाँ से मैंने पाइप लगाया पानी का, ठीक है। ये पानी जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, देख लो। और अभी मैंने गाड़ी कल रात से स्टार्ट नहीं करी, ठीक है। तो अभी अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गई अपनी बाइक स्टार्ट, ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ चेक करोगे तो ये पानी साइलेंसर में से बाहर गिर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आगे वीडियो बना के आपको बताता हूँ, ठीक। इंजन में पानी कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पूरा देखिए वीडियो को। तो गाइज, आपको सबसे पहली बात तो, अगर जहाँ पानी भरा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले आपको चेक करना ये बाइक है, बाइक की हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपका ये जो इंजन है पूरा, ठीक है, अगर ये यहाँ तक भी इस बाइक में डूब जाएगी, अगर ये बाइक बारिश में, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ये जहाँ पे इंजन है, ठीक है, ये एडवेंचर स्पोर्ट जहाँ तक लिखा है, ठीक है, अगर इतने एरिया तक भी अगर गाड़ी ये डूब जाएगी, ठीक है, तो भी गाइस इसके अंदर ना, जैसे कि आप देख रहे हो चेचिस, अगर यहाँ तक भी डूबती है तो इसके अंदर इंजन में कहीं से पानी नहीं भरा आएगा, ठीक है। और रही बात साइलेंसर की, तो साइलेंसर में पानी जाने से कभी इंजन सीज नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। पानी कहाँ नहीं जाना चाहिए ये भी आपको बताता हूँ मैं, और किस किस पार्ट्स में नहीं जाना चाहिए। तो गाइस, अगर मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली बाइक है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं है, अगर वो पानी के अंदर जाती है तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, क्योंकि उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो उतने इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होते, ठीक है। बाकी जहाँ जिस बाइक में ECU आ जाता है, मतलब ECU कह दो आप या ECM कह दो, जो आपकी कंप्यूटराइज होती है, मतलब ECU हर चीज़ को कंट्रोल करता है, आपके स्पार्किंग को, आपके टैंक की मोटर को, ठीक है, हर एक चीज़ को वो ध्यान रखता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा गाड़ी को पानी में डालने से, कि वो ECU लगा कहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ कहीं लगा है, या टैंक के यहाँ पे कहीं लगा है, ठीक है, जैसे हीरो की बाइक्स में जो उसकी टोटल बॉडी उसी के साथ में लगा हुआ रहता है, या और भी बहुत सी बाइक्स है, ठीक है, मैंने अभी देखी भी नहीं बहुत सी बाइक, छोटी बाइक है वो, मैं कहाँ लगा रहता। बहुत सी बाइकों में क्या होता है, ज़्यादातर सीटों के नीचे होता है, और ऐसी जगह होता है कि जो पैक होता है, तो उस जगह पे गाइस पानी नहीं जाना चाहिए। अगर उस जगह पे पानी चला गया तो आपका ECU ख़राब हो जाएगा,
तो आपकी गाड़ी में मोटा खर्चा आ जाएगा और फिर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, ठीक है। और बात रही इंजन सीज होने की, तो इंजन सीज कैसे होता है तो वो भी बता देता हूँ। तो गाइज अगर आपकी बाइक पानी के अंदर जाती है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर इस साइलेंसर से गाइस पानी जाएगा, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ, इस बाइक में अगर यहाँ से ही साइलेंसर के अंदर पानी जाएगा, एग्जॉस्ट भी बोल सकते हो, तो ये पानी ना गाइस यहाँ पे एक साइलेंसर के नीचे होल है, ठीक है, अभी भी देखो पानी गिर रहा है एक दो बूंद, तो वहाँ से पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। और अगर ये पूरा इतना डूब भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी इधर से आते रहता, उधर से वापस रिटर्न होते रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंसर से पानी इंजन के अंदर नहीं जाता, ठीक है, बहुत रेयर केस में आता है वो, जब आपकी गाड़ी बहुत दिन तक पानी के अंदर पड़ी रहे या डूबी रहे, ठीक है, जब जाता है, ठीक है। पानी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे साइलेंसर के पास से, तो यहाँ पे गाइस होल लगा हुआ रहता है, ठीक है, कहाँ पे है आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो आपको यहाँ पे एक बूंद दिख रही होगी, ठीक है, बूंद बूंद दिख रहा है, वहीं से इसका पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो होल है, ठीक है, ये गिर रहा है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, तो यहाँ से इसका पानी बाहर आ जाता है। तो अगर आपके पास में अगर NS बाइक है या और भी कोई बाइक से जो थोड़ी हाई CC की, मतलब 200 CC, या तो इनमें ऐसा सिस्टम बना के देती कंपनी कि अगर ये पानी के अंदर जाए तो इसमें से पानी निकल जाता है, ठीक है। अब बात रहे तो बात बताऊं अगर मैं आपको कि कहाँ से सीज होता है इंजन, तो गाइस आपका इंजन सीज होगा कहाँ से, एयर फिल्टर के बॉक्स से, ठीक है, जहाँ एयर फिल्टर का हॉस पाइप होता है, जहाँ से एयर फिल्टर अंदर हवा सक करता है, ठीक है, वहाँ पानी नहीं आना चाहिए। तो एयर फिल्टर इसमें टैंक के नीचे है, ठीक है, आप लोग को पता है, बहुत से लोग को पता होगा, सबकी बाइक्स में अलग अलग होता है, और ये वीडियो कोई पल्सर के लिए नहीं है, सभी बाइक्स के लिए, चाहे RS हो, AS हो, NS हो, या R15 हो, या KTM हो। तो KTM में तो खैर, KTM और जो बजाज की बाइक्स होती है, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती है सिमिलर होती है, मतलब एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि जो KTM का इंजन है वही बजाज की NS, RS और डोमिनर में आता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड इंजन है ये, मतलब उसी के जैसा इंजन है, बस थोड़ा सा फर्क है इंजन में, ठीक है, थोड़ा KTM में पावर और टॉर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो इंजन है DOHC होता है, और जो अपनी NS, RS और AS में जो इंजन है SOHC होता है, वो DOHC है, तो ये SOHC इंजन है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, पावर कम है, बाकी तो सब चीज़ सेम है, ठीक है, तो सेम ही होता है। बाकी मैं अगर अदर बाइक्स की बात करूँ, चाहे वो यामा की R15 हो, होंडा CBR हो, चलो होंडा CBR तो अब आती नहीं है, बट अगर बात करें जैसे है यामा R15 हो गई, जिक्सर हो गई, ठीक है, और आपकी हीरो एक्सट्रीम 200 हो गई, और जो अभी करिश्मा, तो जो इनके जो एयर फिल्टर है, ठीक है, आपको उसके हिसाब से देखना है कि आपकी बाइक में एयर फिल्टर का हॉस पाइप किधर है, ठीक है, अगर वो डूबता है तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, जहाँ से आपका इंजन हवा खींचता है, इंजन हवा खींचता है कहाँ से, ट्रॉटल बॉडी से, ट्रॉटल बॉडी में हवा जाती है एयर फिल्टर से, ठीक है, एयर फिल्टर का जो हॉस पाइप होता है वो कहाँ लगा उस पर डिपेंड है, अगर वहाँ से पानी अगर चला जाता है तो वो पानी कहाँ जाएगा, जैसे अगर यहाँ मेरे इसका हॉस पाइप लगा है तो वो यहाँ से अगर पानी चला जाएगा मेरी गाड़ी में तो वो बॉक्स में जाके जमा हो जाएगा, फिर जब बॉक्स भर जाएगा तो वो पानी क्या करेगा, कार्बोरेटर खींच लेगा, और फिर वो कहाँ से, कार्बोरेटर से होते हुए इंजन के अंदर चलेगा हेड से, और हेड से अंदर आया तो पानी कहाँ जाएगा, पिस्टन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जब आप जैसे एक्सेलेट करोगे तो वहाँ पे जहाँ कंप्रेसर होता है वहाँ पे पानी पहुँच जाएगा, और जब वो पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी गाइस तो ठीक है क्या होगा, वो आपकी जो क्रेंक शाफ्ट होती है, ठीक है, क्रेंक शाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन में लगी होती है उसको वो टेढ़ी कर देगा। तो आपने देखा होगा ना जो गाड़ी पानी में चली जाती है, कार हो गई, बहुत सी कारों में ज़्यादातर होता, बाइक तो क्या बंद हो जाती है वैसे ज़्यादातर, तो पर अगर ये गाड़ी चालू भी हो गई तो आपकी गाड़ी में इंजन में काम आ सकता है, ठीक है। तो अगर इंजन के अंदर पानी आता तो उस टाइम को करना है क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको गाड़ी चालू नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके एयर फिल्टर से होते हुए पानी चला गया इंजन के अंदर, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल क्या करो, एक तरफ गाड़ी को लगाओ, ठीक है, अगर आपको नॉलेज हो तो क्या करो, इंजन ऑयल पूरा निकाल लो, ठीक है, इंजन ऑयल पूरा निकाल के दूसरा इंजन ऑयल डाल दो, ठीक है, भले आपका इंजन ऑयल पुराना हो वो चलेगा, लेकिन वो इंजन ऑयल आपको उसमें से पानी आपका कहाँ से निकलेगा, वहीं से निकलेगा, इंजन ऑयल निकाल के फिर आपको गाड़ी को थोड़ा सा सेल्फ मारना या कीक मारना, जिससे क्या होगा आपका जो पानी है आपको क्या करना, स्पार्क प्लग खोल लेना, ठीक है,
स्पार्क प्लग को खोल लेना है और फिर आपको किक मारनी है या सेल्फ मारनी है, जो आपका पूरा जो इंजन में पानी है वो पूरा वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑयल आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑयल में पानी मिक्स हो गया होगा, ठीक है, ऑयल में अगर पानी मिक्स हो गया होगा और फिर अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट करी तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो सीज हो जाएगा। तो यह कुछ तरीके होते हैं जो अगर आपको इंजन को बचाना है, तो आपका अगर जैसे आपकी गाड़ी पानी के अंदर पूरी डूब गई है और अगर वो बंद हो गई, तो उसके बाद गाड़ी को बिल्कुल स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उसका पानी बाहर निकालो, फिर उसके बाद नया इंजन ऑयल डालो या थोड़ा जो भी आपके पास इंजन ऑयल है उसको डालो और फिर गाड़ी को स्टार्ट करो, ठीक है। और साथ में अगर आपकी बाइक में ऑयल फिल्टर है तो वो ऑयल फिल्टर को भी बाहर निकालना, जिससे होगा क्या कि वो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और आपकी गाड़ी का इंजन सीज होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी बाइक पानी के अंदर, आपकी बाइक अगर किसी पानी के अंदर चली गई है, बहुत ज़्यादा पूरी डूब गई है और अगर इंजन के अंदर पानी भरा गया, तो आप ऐसा करके आपकी गाड़ी का इंजन आप बचा सकते हो, ठीक है। नहीं तो भैया बहुत मोटा खर्चा होता, फिर उसमें सब चीज़ें चेंज होती है, क्रैंक क्रैंक हो गई, आपका पिस्टन वॉल वॉल सब जंक वंक लग जाता अंदर और पूरा इंजन के अंदर कीचड़ जैसा हो जाता, जैसे रोड पे कीचड़ होता वैसे इंजन के अंदर कीचड़ हो जाता, क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स होने से झाग वाग बन जाता और पूरा चिपचिपा अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे आपका इंजन सीज हो सकता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए बारिश के टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी गाड़ी डालते हैं, गाड़ी चल जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं चलती, लेकिन अंदर की कुछ कई बार क्या होता है पानी कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप लोग को होता क्या है कि एयर फिल्टर का अगर जब तक जो होस पाइप है वो पानी पानी के अंदर नहीं जाता जब तक, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर पानी जाने लगा तो वो पूरा पानी इंजन के अंदर जाएगा और आपका इंजन सीज कर देगा। कुछ बाइक्स का इंजन कभी कभार हो जाता सीज और कुछ बाइक्स का नहीं भी होता है, तो आपको ध्यान रखना आपका एयर फिल्टर का होस पाइप कहाँ पे, ठीक है, उस पर डिपेंड रहता है। जैसे अगर ये गाड़ी को मैं अगर मैंने इसको बहुत बार पानी में चलाई, अगर ये इतनी पानी में आती है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी के बॉक्स के अंदर पानी नहीं आता, ठीक है। वैसे अगर इतनी भी चली जाए तो नहीं आता, क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसका बॉक्स बहुत बड़ा है एयर फिल्टर का, पानी जब तक जाएगा, तो आप देखोगे मैं कभी बारिश में अगर मेरी गाड़ी पानी के अंदर चली जाती है तो मैं ये जो आप देख रहे हो ये हो पाइप जो लगा हुआ है मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये निकालने से क्या होता है, जो पानी ये पूरा यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं एयर फिल्टर में मेरी बाइक में पानी आएगा तो पूरा बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस टाइम में आपको क्या करना है कि गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, अगर कभी बॉक्स में पानी भरा गया, ठीक है। ये ASNSRS में होता है ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो ये पाइप निकालो, बहुत सी बाइक्स में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बाइक्स में तो एयर फिल्टर नीचे ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है, किसी में ऊपर होता है, तो सब में होता ही है ऐसा पाइप, तो उसको आप निकाल के पानी निकाल सकते हो, लेकिन बिना गाड़ी को स्टार्ट करें, ठीक है। और उसके बाद आपको एयर फिल्टर भी देखना पड़ेगा, अगर आपका एयर फिल्टर गीला है, बहुत ज़्यादा पानी से भर के गीला हो गया है, तो फिर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप फिर स्पार्क प्लग खोल के थोड़ा बहुत भी अगर इंजन के अंदर पानी गया तो आप वहाँ से सेल्फ मार के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइस इस वीडियो में। बाकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो आप पानी में गाड़ी को ना डालें, ठीक है, पानी का लेवल चेक कर फिर उसके बाद आप गाड़ी को डालें, अगर आपकी बाइक में कहाँ पे एयर फिल्टर है वो उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी स्कूटी है तो स्कूटी का ज़्यादा ध्यान रखें, उसको पानी के अंदर ना चलाएं, ठीक है, बैटरी वाली है तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बाकी आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।